हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर कि इस सेशन में हम बात करेंगे कैसे पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको कुछ नया, मैं हटकर थोड़ा बताता हूँ आपको, कुछ नया प्रयास करता हूँ कि कैसे आप कोई इंग्लिश सीखने के लिए एक नई अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो आपके सामने है। शेयर आप अधिक से अधिक करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करके जाना। और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हो ना इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो देखिए, एक अलग वर्ड को, एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच को एक अलग कलर यहाँ पे दिया गया है। जैसा बता दूँ आपको कि आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, जो लाइट ग्रीन कलर में है वो एक डिटर्मिनर है, जो पिंक कलर में है वो एक नाउन है, येलो कलर में है वो वर्ब है, जो वायलेट कलर में है, बैंगनी कलर में है वो एक प्रेपोजिशन है, ऑरेंज कलर में है वो कंजंक्शन है, ग्रे कलर में है वो एडजेक्टिव है। तो एक अलग कलर, एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। बस प्रश्न ये है कि कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो यहाँ देखो, बताता हूँ, बहुत ही आराम से आप समझिएगा इस चीज़ को और लास्ट तक देखेंगे अगर आप वीडियो, तो यकीन मानिए आप पहचान करना सीख जाएंगे इस सेशन में कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच पहचाना जाता है। देखिए, फ्यूअर जो है वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन के पहले आता है, सबसे पहली बात। जैसे कि मैंने कहा कि पिंक कलर वाला नाउन है, तो नाउन से पहले आ रहा नहीं। और इसका एक और सिस्टम रहता है कि नाउन को डिटरमाइन करता है किस पोजीशन में नाउन है, संख्या में ज़्यादा है, संख्या में कम है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि मात्रा, संख्या और कितना है, ये सब बताने के डिटर्मिनर का यूज़ हम करते हैं। तो फ्यूअर, तो फ्यू लिटिल आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनर स्कूलिंग में पढ़ा होगा। तो फ्यू लिटिल आपने पढ़ा, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, कम संख्या के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्यूअर हो गया डिटर्मिनर। बस कहानी सुनते चलिए, मैं क्या बता रहा हूँ, कान खोल के सुनते चलिए, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, समझ में आपको पूरा आ जाएगा। नाउन के बारे में बता दूँ आपको कि ये नाउन क्यों है। नाउन का एक सिस्टम होता है कि नाउन काउंट की जा सकती है, सबसे पहली बात। तो व्हीकल को काउंट कर सकते हैं आप, कितने व्हीकल हैं, व्हीकल समझते हैं ना, गाड़ियाँ। और इससे पहले संख्या भी लिख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ जो काउंटेबल हो और संख्या लिखी जा सके, तो व्हीकल से पहले संख्या लिख सकते हैं ना, टू व्हीकल्स, थ्री व्हीकल्स, जो भी हैं। यहाँ तो खैर डिटर्मिनर लगा दिया है, अनिश्चित है, फ्यूअर व्हीकल्स हैं, तो जिसको काउंट किया जा सके और जिससे पहले नंबर लिखा जा सके वो नाउन होता है, याद रखना। तो पिंक कलर वाले सब नाउन है, लेकिन सबकी एक डेफिनेशन यही नहीं हो सकती है, अलग अलग डेफिनेशन बताऊँगा, तो ये नाउन है, ठीक है। प्लाइड यहाँ पे वर्ब है, प्लाई का मतलब नोट कर सकते हैं, प्लाई का मतलब होता है एक निश्चित रूट पर आवागमन करना, आना जाना एक निश्चित रूट पर। जैसे आप बाइक लेकर अपन ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस घर आते हो, तो आप प्लाई करते हो ना, तो ये हो गया प्लाई वर्ब। और वर्ब की एक खास बात होती है कि मैन वर्ब अगर होती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है। तो प्लाई की तीनों फॉर्म बनती है, प्लाई PLY, फिर सेकेंड फॉर्म आप देख ही रहे हो, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले सहायक क्रिया नहीं है। तो फ्यूअर हो गया डिटर्मिनर, बता दिया मैंने कारण, ये व्हीकल्स हो गया नाउन, कारण बताया मैंने, प्लाइड का कारण देख लिया। ऑन प्रपोजिशन है, इसके लिए कोई खास बताने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, ऑन है, इन है, या आप कोई और देख लीजिए, अबव है, ओवर है, ठीक है ना, बिसाइड, बिसाइड्स, ये सब प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन के बाद में जनरली आपको नाउन मिल जाता है, ठीक है ना। तो दिल्ली जो है वो नाउन है, और दिल्ली रोड्स है, रोड्स भी नाउन है। अब दिल्ली तो नाउन इसलिए है क्योंकि कोई भी स्थान का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम है, जिसको जिस नाम से आप कॉल करते हो ना, वो नाउन है। तो दिल्ली स्थान का नाम हुआ, तो नाउन है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये तो सुनते ही आप स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में। रोड्स नाउन है क्योंकि रोड का प्लूरल बन रहा है, ठीक है। मैंने बताया था ना, व्हीकल से कंपेयर कर लो इसको, जो पिंक कलर में है वो नाउन बताया था मैंने। तो रोड्स को कंपेयर कर लो व्हीकल से कि प्लूरल बन रहा है इसका, इससे पहले नंबर भी लगा सकते हो आप, तो ये नाउन है। बट कंजंक्शन है, ऑरेंज कलर वाला क्या बताया था मैंने, कंजंक्शन, बट कंजंक्शन क्योंकि जोड़ रहा है यहाँ से, ये यहाँ तक का पार्ट कोमा लगा के एंड अलग कर दिया, आगे नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बता दूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या है। फ्यूअर व्हीकल्स प्लाइड ऑन दिल्ली रोड्स, की बहुत कम व्हीकल्स जो हैं वो दिल्ली रोड्स पर चलते दिखाई दिए। बट सेवरल पीपल वेंचर्ड आउट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एक्सटेंसिव कर्व्स, बट लेकिन, अब ये नया वाक्य स्टार्ट करेगा, सेवरल ये डिटर्मिनर है फिर से, है ना, मैंने बताया कि लाइट ग्रीन कलर में है वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के लिए मैंने क्या बताया कि जनरली नाउन से पहले मिलेंगे ना, तो पीपल नाउन है क्योंकि पिंक कलर में है, और नाउन से पहले मिला तो डिटर्मिनर, इसकी पोजीशन बता रहा है कि भी कितनी संख्या में है लोग, तो अनेकों हैं, सेवरल मतलब अनेकों, तो ये डिटर्मिनर हुआ। पीपल नाउन है क्योंकि पीपल का सिंगुलर बनता है पर्सन, तो जिसका सिंगुलर प्लूरल बनता हो वो नाउन हो सकता है। अब आप कहें कि इससे पहले संख्या लगाएं, जरूरी नहीं है संख्या लगाएं, डिटर्मिनर तो लगा ही सकते हैं ना, सेवरल पीपल है, मैनी पीपल है, ये सब डिटर्मिनर लग रहा है, तो नाउन तो होगा ही, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज़ को संख्या से ही व्यक्त करें आप, तो ये नाउन हो गया।
फिर वेंचर्ड एज वर्ब है क्योंकि येलो कलर वाला वर्ब कहा था, और कारण आप इसको कंपेयर कर लीजिए प्लाइड से, जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है वो वर्ब, तो वेंचर वेंचर्ड वेंचर्ड। वेंचर आउट, आउट यहाँ प्रेपोजिशन, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेपोजिशन का तो समझ में आपको आता ही है, ऑन है आउट है, जैसे इन होता है प्रेपोजिशन तो इनका उल्टा आउट हो गया बाहर, तो किस स्थिति में है उसके लिए प्रेपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। और वेंचर आउट एक फ्रेजल वर्ब है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में कि फ्रेजल वर्ब को कैसे पहचाने, तो फ्रेजल वर्ब का सीधा सा फंडा है कि वर्ब हो प्लस आप प्रेपोजिशन लगाते हो तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो वेंचर्ड वर्ब हुआ, आउट यहाँ प्रेपोजिशन हुआ, तो ये बन गया फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब नोट कर सकते हो, खतरनाक स्थान पर बाहर जाना है ना, कोई खतरे का स्थान है, डेंजरस प्लेस है, उसमें बाहर जाने को बोलते हैं वेंचर आउट, तो ये वेंचर आउट हो गया। ऑन, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, ऑन तो देख के आए हैं ऊपर आप। द यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर में क्या है सोच लीजिए मनी मन, डिटर्मिनर है, क्योंकि मैंने बताया कि आर्टिकल है वो भी डिटर्मिनर में आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नया हो गया है यहाँ पे, फर्स्ट एडजेक्टिव है, ग्रे कलर में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक्चुअल में ऑर्डिनल नंबर होते हैं, कुछ नहीं पता आपको नोट कर सकते हैं आप, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जो न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है ये, जो गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, इनमें ऑर्डिनल भी होता है, कार्डिनल भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव भी होता है, तो ये ऑर्डिनल है, ये संख्या बता रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। डे नाउन है, पिंक कलर में है, कैसे है तो कारण वही सिंपल कि इसका प्लूरल बन सकता है, डे का डेज बना सकते हो है ना, और संख्या लगा रखी है इससे पहले, ऑर्डिनल नंबर ही क्यों ना हो। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, रिलेट कर रहा है। एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले, नाउन से पहले जो शब्द आए, नाउन की विशेषता बताने के लिए आए, नाउन को एक्सटेंशन देने के लिए आए, वो एडजेक्टिव होता है, तो ये नाउन है क्योंकि पिंक कलर में है, मैंने बता दिया, बता दूंगा कारण क्या है फिर से। और एक्सटेंसिव एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव है एक्सटेंसिव क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में है ना, बहुत बड़े संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में। कर्ब्स प्लूरल बन रहा है, और कर्ब्स मतलब आप संख्या भी लगा सकते हो, कर्ब का मतलब नियंत्रण होता है, बुरी चीज़ पर रोक लगाने को बोलते हैं, वैसे ये वर्ब भी हो सकती है, लेकिन ये एडजेक्टिव लग रखा है इससे पहले, तो नाउन मानेंगे आप इसको, कर्ब्स दे रखा है। इम्प्लीमेंटेड वर्ब है क्योंकि तीनों फॉर्म्स बनती हो, मैंने कहा था वेंचर में भी बात की थी, ऊपर भी बात की थी, तो इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड तो वर्ब है, इम्प्लीमेंट का लागू करना होता है। बाई प्रेपोजिशन है। द डिटर्मिनर है क्योंकि आर्टिकल है। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली और गवर्नमेंट दोनों नाउन है, दिल्ली यहाँ पे स्थान का नाम इसलिए, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट्स बनता है, कंपाउंड नाउन होती है ना, दो नाउन साथ में आती हो ना तो कंपाउंड नाउन कह सकते हो, एक से अधिक नाउन मिलकर कोई अगर पूरा टर्म बनाती हो तो उसे कंपाउंड नाउन कहा था, दिल्ली गवर्नमेंट कंपाउंड नाउन है। टू प्रेपोजिशन है। कंट्रोल वर्ब है, कंट्रोल कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड नियंत्रित करने के लिए, वैसे टू प्लस वी जीरो इन्फिनिटिव कहलाता है, टू प्लस वी जीरो को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। द डिटर्मिनर है तो इसलिए नाउन है, मतलब ये ग्रीन कलर में दिया गया है क्योंकि आर्टिकल है। स्प्रेड किससे पहले आता है, डिटर्मिनर नाउन से पहले, तो नाउन है ये। स्प्रेड ऑफ प्रेपोजिशन है। कोविड 19 नाम है बीमारी का, इस कारण से नाम किसी का भी हो, नेमिंग वर्ड्स आर ऑलवेज नाउन। तो बता दूं मैं इसका पूरे का मीनिंग क्या है अब, है ना। तो बहुत कम व्हीकल्स दिल्ली की रोड पर चलते दिखाई दिए, लेकिन अनेकों लोगों ने यहाँ पे मतलब रिस्क लिया बाहर आने का, खतरनाक स्थानों पे बाहर आए वो लोग, जो खतरे के स्थान इसलिए क्योंकि कोविड 19 के चलते लॉकडाउन कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बावजूद बाहर आए अनेकों लोग। द फर्स्ट डे पहले दिन जब ये एक्सटेंसिव कर्ब्स थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में जो नियंत्रण लगा रखे थे, कर्ब्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे इम्प्लीमेंट किए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें पहले दिन बाहर आए। टू कंट्रोल, ये इम्प्लीमेंट किस लिए किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्प्रेड को रोका जा सके, कोविड 19 के स्प्रेड रोकने के लिए जो इम्प्लीमेंट किए गए थे ना, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, कर्ब्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब लगाते हैं चीज़ें, तो उसमें हम कोई भी प्रेपोजिशन, मतलब इसमें कोई भी आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। गो, कम, ब्रिंग, टेक, ये सब शब्द अगर वर्ब दे रखी हो तो होम से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। इफ कंजंक्शन है, ये नया वाक्य स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, अब ये कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण कर रहा है वैसे तो। इफ दे, अब दे प्रोनाउन है, एक नया वर्ड है, ब्राउन कलर में दे रखा आपको, तो ये प्रोनाउन है। कैसे, तो प्रोनाउन इसलिए क्योंकि किसके लिए आ रहा है, ये नाउन के लिए आ रहा है, नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं प्रोनाउन, ये वैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, पता ही है आपको इस चीज़ का। हैड नॉट स्टेप्ड, अब ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, स्टेप्ड यहाँ पे मैन वर्ब है, तो ये दोनों वर्ब में रखा है। स्टेप्ड तीनों फॉर्म बनती है। स्टेप आउट का मतलब बाहर निकलना होता है, ये प्रेपोजिशन हो गया, जैसे इन प्रेपोजिशन वैसे आउट प्रेपोजिशन है, तो इन भी प्रेपोजिशन है। वैसे इन ऑर्डर टू पूरी एक फ्रेज होती है,
इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, है ना, इस उद्देश्य से इस काम को करने के लिए। परफॉर्म इसेंशियल सर्विसेज, परफॉर्म वर्ब हो गई, वैसे टू परफॉर्म है वो इन्फिनिटिव है, इसेंशियल एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा, नाउन की विशेषता बता रहा है। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, है ना, इंपॉर्टेंट। सर्विसेज का मतलब सेवाएं, इसेंशियल का आवश्यक सेवाएं। अब मैं रिपीट कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो द पुलिस कंडक्टेड चेक्स ऑन द बॉर्डर्स, पुलिस ने क्या किया, सीमाओं पर या नाकाबंदी कर दी, है ना, प्रतिबंध लगा दिए ऑन द बॉर्डर्स, एंड रिक्वेस्टेड पीपल, और लोगों से कहा कि घर लौट जाएं, टू रिटर्न होम इफ दे हैड नॉट स्टेप्ड आउट इन ऑर्डर टू परफॉर्म इसेंशियल सर्विसेज, यदि वो किसी आवश्यक काम से, आवश्यक सेवाओं मतलब सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए बाहर नहीं आए हैं तो फिर घर लौट जाओ। कोई आवश्यक काम है तो बात अलग है, अगर आवश्यक काम के लिए नहीं आए तो घर लौट जाओ। तो हमने इसमें देखो, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप नाउन की, एडजेक्टिव की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, डिटर्मिनर की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये सभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो हमने पहचान करना इसमें सीखा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर से। बस आप तो मैक्सिमम शेयर कर दो और दोस्तों को बताओ किस प्रकार से हो सकता है, थोड़ा सहयोग करें आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।